दमोह पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई सिंह का विवादित वीडियो चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल किसानों की समस्याओं को लेकर कृषि उपज मंडी पहुंची विधायक ने एक कर्मचारी से गाली गलौज के बाद धक्का देती हुई उसे नजर आई। मामला पथरिया के बटियागढ़ तहसील मुख्यालय की कृषि मंडी का है। बताया जा रहा है कि जब विधायक रमाबाई सिंह मंडी पहुंची तो किसानों ने कर्मचारी के द्वारा दलाली की शिकायत की। शिकायत के बाद विधायक ने आपा खो दिया और मंडी कर्मचारी से गाली गलौज करते हुए उसे गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई। विधायक के दबंगई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जो मैं दलाल दलाली कर रहे हो मंडी में, बैठो गाड़ी में, किसानों के साथ दलाली कर रहे हो, किसानों के साथ दमोह जिले के पथरिया विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज कराने वाली विधायक रामबाई सिंह की दबंगई का एक और वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में रामबाई सिंह भटियागढ़ में पुलिस थाने में कृषि उपज मंडी के कर्मचारी को इस्तीफा देने और ट्रांसफर करा देने की धमकी दे रही है। इस दौरान उन्होंने मंडी के कर्मचारी को जेल भेजने की बात भी कही। हालांकि ये तमाम जो घटनाक्रम है ये किसानों की समस्याओं को लेकर के था, जिसे देखकर विधायक भड़क गई और एक दलाल को पकड़वाकर थाने ले गई और वहां कर्मचारियों से भी कहा कि किसान को परेशान न करें। और नहीं करना तो आज ही और अभी इस्तीफा दो अपना, और नहीं तो अपनी अपने कई और दूसरे जिलों में टीकमगढ़ पन्ना छतरपुर जाइए। आप सदन मत करिए, कर्मचारी जमीन पास करें, कहाँ है पर्ची तुम लोग बारह बजे तक पूरी दवाई करवा देने की जरूरत नहीं, कोई दवाई करवा देने नहीं करवा देना, नहीं है तो नहीं पास होने की बात कर दिया, पास कर गया वो आप पास करके दवाई करवाई कर गया वो बनिया बना के दे जाएगी। और ये सर ये दोनों छूटे ना, इनको थाने को छोड़ नहीं देना, इसको इनको जेल बस भेज देना। नहीं 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 कोई 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 बात नहीं, किसान परेशान हो गया तो अगर एक किसान के साथ गलत कर दिया तो इसे एक ध्यान रखना सारे कर्मचारी, गलत नहीं होगा, मैं दोबारा नहीं बोलूंगी। पूरा चलत रहो अभी बस नहीं चल रहा था वो, मैंने अभी कौन रखाएगा बाहर, कोई नहीं छुट्टी है, कोई छुट्टी नहीं है, क्योंकि अभी बोल दिया छुट्टी से सरकारी में दलाली कर रहे हो मंडी में, बैठो और हमारे साथ संवाददाता गणेश अग्रवाल जुड़ गए हैं दमोह से फोन लाइन पर। गणेश जी आपसे जानना चाहेंगे ये पूरा मामला था क्या और वाकई में क्या किसानों को उस साथ वहां पर धोखाधड़ी हो रही थी जिसके बाद भड़की हैं विधायक? जी अभिलाष जी, ये बिल्कुल सच बात है कि कृषि उपज मंडी में भटियागढ़ जो कि यहाँ पर किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला किया जा रहा था, यहाँ पर जो बहुजन समाजवादी पार्टी की दबंग विधायक है रामबाई से परिहार, इनके द्वारा यहाँ किसानों की समस्याओं को लेकर निरंतर ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे उनको फायदा होता है। लेकिन आज जो इनके द्वारा कार्य किया गया वह बहुत ही दबंगयाई वाला किया गया है। वहाँ पर एक कर्मचारी के लिए इन्हें धक्का मारकर उसको गाली देते हुए थाने ले गए और वहाँ पर उनसे ट्रांसफर कर लेने की बात कही है। बिल्कुल, और फिलहाल क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई मंडी कर्मचारियों पर हुई है और क्या विधायक के खिलाफ भी कोई शिकायत हुई है? नहीं, अभी किसी ने विधायक की कोई शिकायत तो नहीं की है, लेकिन हाँ उन कर्मचारियों के खिलाफ वह थाने पहुंचकर शिकायत करने के लिए गई हुई थी, जहां पर उनको समझाकर उनको आश्वासन दिया गया कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई आगामी समय में नहीं की जाएगी। लेकिन यह जो दबंगयाई है विधायक की यह हमेशा चलती रही है, वह इसके पहले जो
जिला पंचायत की उपाध्यक्ष रही हैं, वो इसी तरह के कार्य करती रही हैं और किसानों के हित में वो हमेशा कार्य करती रहती हैं। चाहे वह मुद्दा बंगले को लेकर हो या मंत्री बनने को लेकर हो, हमेशा सुर्खियों में रहने वाली रामबाई का ये नया कारनामा नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उज्जैन के सिविल सर्जन राज